तो भाई भाई डाइट कोक ले रहा है 4 बोतलें की। हैं भाई किस लिए है? किस लिए डाइट कोक? पीने के लिए भाई, छोला भटूरे के बाद। तीन चार महीने पहले मैंने एक गिटार परचेज करा था जिसकी फोटो अपलोड करी थी मैंने अपने इंस्टाग्राम पे और स्नैपचैट पे। बहुत लोगों के कमेंट्स भी आ रहे, डीएम्स भी आ रहे आए थे कि मैंने कहाँ से वो परचेज करा और कौन सी कंपनी का परचेज करा। तो वेल, उसके लिए ही एक बेहतरीन वीडियो लेके आया हूँ आज आप सभी के लिए मैं, और दिखाने जा रहा हूँ कि मैंने कहाँ से गिटार परचेज कर रहा था और कौन सी कंपनी का वो गिटार है। पहले वो गिटार की सर्विस करवा लूँ, फिर आप लोगों को मैं दिखाता हूँ कि मैंने कहाँ से परचेज करा था। और सीन कुछ उस टाइम पे ऐसा था कि मैं वीडियो मतलब अपलोड नहीं कर रहा था किसी रीजन की वजह से यूट्यूब पे, तो मैं यूट्यूब पे भी नहीं डाल पाया था कि मैंने परचेज करा था और कितने रुपए का परचेज करा था। फटाफट कर लेते हैं इंट्रोडक्शन। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अभी मेरे एक फ्रेंड भी आ रहा है, तो उसको भी साथ लेके चलते हैं और सीधा चलते हैं शॉप पे, और आपको मैं दिखाता हूँ कि क्या हिसाब किताब रहता है गिटार परचेज करना हो। अगर किसी को, अगर आप बिगनर लेवल का भी है, इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल का, तो कौन सा गिटार बेस्ट रहता है, कौन सी कंपनी बेस्ट रहती है, बिना देर करते हुए इस वीडियो करते हैं स्टार्ट। इस इंसान को मैंने बोला था कि भाई घर के बाहर आ जा, मैं वेट नहीं करूंगा ज्यादा देर, इतनी गर्मी हो रखी है और यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो जाता है थोड़ी देर भी गाड़ी लगाने से ही, और ये बंदे से अभी तक बाहर नहीं आया गया और इसी गली के अंदर ही रहता, ज्यादा दूर तक भी नहीं रहता ये बंदा। और वैसे कहते हैं कि भाई हम बहुत बड़े यूट्यूबर है, हमने बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना है, टाइम की तो इनको कदर है ही नहीं भाई बिल्कुल भी। और ये बंदा आया है अब, अभी भी छुप कर रखा है ये देखो, और बनते हैं अपने आप को बनते हैं ये लोग यूट्यूबर, और इनसे अभी तक बाहर भी नहीं आया गया। और ये चाहता है कि भाई खोलूं मैं, आधा घंटा हो गया वेट करते करते, और बंदा कहता है कि भाई मैं यूट्यूबर बनूंगा। अबे भाई बस पूछ मत यार, घर वाले कहते चाय पी ले, ये पी ले, वो पी ले, भाई चाय पी ले, ये पी ले, वो पी ले, भाई बंदे की भी तो करते करनी चाहिए। बंदा भी तो धूप में खड़ा हुआ है, इतने दूर से आया था हमारे लिए। तो भाई खड़ा तो गाड़ी में, एसी चल रहा है, धमाधम और क्या। अच्छा एसी चल रहा है भाई, जो पेट्रोल और का 100 रुपए लीटर उसका क्या। कोई बात नहीं भाई, तू मोटा आदमी है, 5 लाख की कलेक्शन दिखा रहा वॉच की। तो भाई अब चल रहे हैं, कहाँ रोकनी है भाई। अच्छा सीधा आ जाओ, कितने 10 रुपए लगा ले, देख लो। अबे रुक जा, उतरते हैं, मैं थोड़ी उतरूंगा, छोटा बंदा है इतना, अभी फोन गिर जाता मेरा। खुल गया, 10 रुपए का डाल दो। एक 101 हो ही चुका है भाई दिल्ली में पेट्रोल, सगन सगन तो हो ही चुका है भाई आज। ये लो भैया, हो 10 लीटर भी नहीं आया। ये तो री आर एन म्यूजिक, अबे ये दुकान ही बंद ले, आर एन म्यूजिक, इतनी मेहनत करके आए हैं अभी घूम फिर के, और यहाँ पर दुकान ही बंद है, तो यार क्या करें। क्या करें भाई, अपने घर चल रहे और क्या करें। अरे यार इतनी मेहनत करके आए हैं और यहाँ पर पूरी शॉप ही क्लोज हो रखी है, और मुझे लगा साथ वाली फोन की दुकान है गैलेक्सी, देखा तो मुगलाई चिकन चाइनीज। कितना बुरा हाल है कल। अरे यार चलो देखते हैं, किसी और दिन आता हूँ यहाँ पर,
तो भाई बहुत ही बुरा हाल हुआ है, बहुत ही दुखद न्यूज मैं सुनाने वाला हूँ आपको। तो पीछे दुकान गई आर्यन वाली, भाई की गिटार ठीक करवाना था भाई, दुकान बंद पड़ी है। तो भाई कैसा लग रहा है दुकान बंद? बहुत ही मायूस फील हो रहा है भाई, ब्लॉग भी नहीं बनवाया हमारा, हमारा ब्लॉग बनवाया भाई, बहुत मायूस फील कर रहा है भाई। कोई नहीं यार, कल करवा लेंगे भाई, वैभव कल करवा लेंगे 101 रुपए हो रखा पेट्रोल। ओ तेरी भाई, ये भी बहुत बड़ी बात है यार, 101 रुपए पेट्रोल हो रहा है, इस आर्यन ने दुकान बंद कर रखी है, बताओ इसे। भैया चार बोतल निकाल दो। पर फिलहाल डाइट कोक ले रहे, बोर्ड का नहीं ले रहे। तो भाई वैभव भाई डाइट कोक ले रहा है चार बोतलें की। हैं भाई किस लिए? किस लिए डाइट कोक? पीने के लिए भाई, छोले भटूरे के बाद। अरे निकाल रहे हो क्या? तो डाइट कोक है ही नहीं, कहाँ है ये? तो पड़ी कहाँ पड़ी है? ये पड़ी ना नीचे। तेरी डाइट कोक और वो वहाँ ढूंढ रहा है, हमें गुमराह कर रहा है। अरे भाई वो निकाल पाएगा? MRP है भाई इसमें 30 रुपए। हाँ कितना कम देते हो डिस्काउंट? 25 रुपए तुम्हारे लिए फ्लैट। कितने की है डाइट कोक? डाइट कोक कितने की है? 30 वाली, 28 रुपए की। तो भाई 32 सीधा हिसाब भाई। इसको बोला मैंने 28 वाली कोक ली है, 5 कितनी होगी? इस बंदे ने 5 बार लिख दिया 28। देख तो भाई, देख सकते हो किस लेवल पे मैथ चल रही है, UPSC लेवल का क्वेश्चन है ये। आर्य भट्टा फेल है, आर्य भट्ट नहीं, आर्य भट्टा। अभी इसको फेंकते हैं घर पे और चलते हैं अपने अपने घर। देख रहे उल्टी बात कर रहा है ना, कह रहा इसे फेंकते हैं घर पे, और क्या करें, क्योंकि भाई को छोड़। और आगे और की हरी बत्ती और सामने भी बैठे, फटाफट निकाल लेते नहीं तो ये ना हो जाए चलान हो जाए अपना। इंडिकेटर नहीं दिया भाई, मेरे घर वाले परेशान है कि तू इंडिकेटर नहीं देता। घर वाले तो सबके परेशान है, कहीं से भी कुछ भी कर लेते हैं, इंडिकेटर दे या मत दे। तो गाइस ये अपना ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। तो भाई जिस मेन मकसद से घर से निकले थे भाई, वो तो हो ही नहीं पाया। तो किसी और व्लॉग में आपको मैं दिखाऊंगा कि मैंने जो गिटार लिया है कितने का लिया है, कौन सी कंपनी का लिया है, और जितने भी और ज़्यादा डिटेल्स है मैं सारे नेक्स्ट व्लॉग में आपको किसी दिन दिखाऊंगा। ये व्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड, मिलता हूँ ऐसी ही बेहतरीन वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर।